हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? आई होप हमेशा की तरह ठीक ही होगे। तो आज हम ट्रिक करने वाले हैं अगेन एक नोट से। ये नोट ऑर्डिनरी नोट है, जो है सिंपल नोट है, 100 का हो या 50 का हो या 500 का हो या 1000 का या 2000 का। ओके, 1000 के तो खैर बंद हो गए, तो 2000 का हो या 100 का हो या 200 का हो, 50 का भी यूज कर सकते हैं, 10 का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ऑर्डिनरी पेन है, ये नोट है, इसको मैं हाथ की पावर से इसे बैंड करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये नोट। ओके, सिंपल नोट है जैसा होता है। ओके, तो देखिए मैं इसको अपनी हाथ की पावर से कैसे बैंड करने वाला हूँ, बंद करने वाला हूँ। तो ये स्ट्रेट है, तो ये मेरी हाथ की पावर से जो मैं इसको हल्का सा पुश करूंगा। ओके, ये देखिए इसको मैं बैंड कर दूंगा। बहुत ही ईजी था, है ना? बिल्कुल ईजी था ना? तो ये ट्रिक आप भी सीख सकते हो अगर ये वीडियो आप अगर एंड तक देख सकते हो, देखोगे तुम। ओके, अगर आपको सीखनी है ये वीडियो तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं कब सिखाने वाला हूँ ये वीडियो, ये ट्रिक कैसे करते हैं। ये देखिए बिल्कुल बैंड है, हाथ की पावर से विगर टच करे मैंने इसे बैंड किया है। अगर आपको ये सीखनी है तो वीडियो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिक कैसे करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो। ओके, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, और लास्ट में एक छोटा सा और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे जो जिस तरीके के मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर, छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी ये, आप कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं लूंगा मैं, यूज नहीं करूंगा जो आपको खरीदनी पड़े बाहर से, या ज्यादा महंगी हो या बड़ी चीज हो, ऐसी चीज नहीं है। छोटी मोटी चीजें जो ऑलरेडी जो मिल जाती है आपको या आपके पास होती है, उसी से आपको करना है। तो चलिए मैं परफॉर्म आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। तो आपको एक नोट लेना है, ऑर्डिनरी कोई सा भी एक नोट ले लीजिए। अगर करकरारा लोगे यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा सा नया सा लोगे तो ये ट्रिक बेटर तरीके से होती है। ओके, स्ट्रेट लीजिएगा, ठीक है, उसको अपने दोनों हैंड से उस नोट को ऐसे बराबर बैंड, लेकिन यहां से बैंड नहीं करना, यहां से याद रखना, ये यहां से बैंड नहीं करना, आपको सारी ये दोनों एंड बैंड करने हैं यहां पे, ठीक है। ये गैप बना रहेगा, जब इसको आपको बना रहेगा तो गैप आपको ये ऐसे करके आगे पीछे करना है, लेकिन ये याद रहे ये गैप बना रहे, ये गैप बना रहेगा तो इसमें स्पेस रहेगा, इसलिए इसको नहीं दबाना है एंड में, खाली ऐसे ऐसे करके पुश करना है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऐसे बैंड हो जाएगा। अब इसको खोलना कैसे है, खोलना कैसे, शो करने आपको परफॉर्म करने से पहले इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करने से पहले आपको सीधा करना है ऐसे करके, ठीक है, फिर दोनों को एंड को यहाँ पे टच कर लीजिए, इस वाले एंड को टच कर लीजिए और इन दोनों को बैंड कर दीजिए, ठीक है। ये बैंड करने से क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा, देखिए ये एकदम सीधा हो गया है, ठीक है, बिल्कुल सीधा नोट है, ठीक है। जब आप इसको दिखाओगे तो फर्स्ट आप ऐसे दिखाओगे, ओके, नेक्स्ट फिर आप ऐसे दिखाओगे, जब लास्ट में आप दिखाओगे तो इसको ऐसे पकड़ना और अपने थंब से इसको प्रेस कर देना ऐसे करके आगे को, ऐसे करके, सी ये देखिए मैंने नोट को ऐसे करके पुश किया जिससे ये जो मैंने यहाँ पे लॉक किया था ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे मैंने खोल दिया तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये देखिए अपने आप ही बंद हो रहा है, पर आपको परफॉर्म कैसे करना है, ये अपने आप ही बंद हो रहा है, सी इसको छोड़ना नहीं है, जब आप इसके लॉक खोल दोगे ऐसे करके या ऐसे करके तो इसे छोड़ना नहीं है, आपको टेबल पे रखना या कोई सरफेस पे रखना। तो सरफेस पे कैसे रखना, ये वाला एंड आपको टच करना है और इधर वाला एंड थोड़ा सा हवा में रखना, थोड़ा सा गैप में, ये वाला एंड टच करना और ये वाला हवा में रखना जो आप होल्ड करोगे। फिर सेम वही आप अपनी हैंड की पावर दिखाओगे, जब सपोज जो आप मैजिक कर रहे हो तो इस वाले को एंड को थोड़ा सा ऊपर को उठाना है, हल्का सा ऊपर ऊपर उठाओगे थोड़ा सा तो ये ऑटोमेटिकली बंद होने लगेगा, देखिए। फिर मैंने वापस नीचे किया, हल्का सा उठाया फिर नीचे कर दिया, हल्का सा उठाया फिर नीचे कर दिया, हल्का सा उठाया फिर नीचे कर दिया, सेम वही आपको दोनों ट्रिक एक साथ परफॉर्म करनी है। ये देखिए ये मेरी हैंड की पावर है, ये देखिए बिगर हाथ लगाए मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ और एंड में वहीं पे टेबल पे छोड़ दीजिए। That's a trick. I hope आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और आपको ऐसी वीडियो दोबारा सीखनी है तो प्लीज बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।